तो भाई यो टाइम आ चुका है यूट्यूब छोड़ के एक नए बिजनेस में जाने का। कार शोरूम का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार शोरूम में हम लोग मर्सिडीज, ओडी हो गया, बीएमडब्ल्यू, ये सब कार को बेच के इतने पैसे कमा सकते हैं जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस की लिस्ट में ये बिजनेस भी आता है। और वैसे में मैंने यूट्यूब पर एक गेम देखी जिसका नाम है कार फॉर सेल, जो कि काफी ज्यादा आज के टाइम में पॉपुलर हो रही है। इस गेम में हमें सिखाया जाता है कि अगर हम लोग एक नया कार का शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग पुरानी गाड़ी में कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग एकदम नया गाड़ी लेके आते हैं और उसे बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी हम लोगों को इस गेम में पता लगने वाला है। तो आज हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। भाई लग रहा है गेम का ग्राफिक्स बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Okay, ये आवाज अच्छा लगा मेरे को, बहुत सही लगा। ये क्या है? ये यहाँ पर किसी का गाड़ी पड़ा हुआ था क्या? मेरे को ऐसा लगता है जो एक कार फॉर सेल जगह है जहाँ हम लोग धंधा करने वाले, अपने लिए ही होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे पहले भी कोई मालिक था जो ये जगह चलाता था, बट उसको प्रॉफिट नहीं मिला होगा तो ये ऐसी छोड़ के चला गया। एक गाड़ी का हालत तो देखो, पड़े पड़े पुर्जे उड़ गए गाड़ी के। पहले तो इसको कलेक्ट करते हैं, ट्रेस, अच्छा कचरा इसको ही बोल रहे हैं क्या? और ये बोल भी रहे पिक अप द ट्रेस इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस। ओके, तो ये है ऑफिस और ये है कचरा, तो ये कचरे को हम लोग उठा लेते हैं। व्हील बैरल भी कचरे में आता, ये भी कचरा है। ये कचरा तो नहीं कहीं? अरे हाँ यार, ये भी कचरा है। अरे ये भी कचरा है, ये कचरा फेंकने वाला चीज है। अच्छा ये भी कचरा है क्या? मेरे ख्याल से ये तो काम लग जाता, बट ठीक है। ये भी कचरा है, ये भी कचरा है, और अभी भी कचरा। अच्छा ये कचरा है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। वैसे ये सब जो मेरे को लकड़ी के टुकड़े हैं ना, लगातार काम लगेगा आगे जाके। ये लोग निकलवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। और अपना जो ओपी से हो चुका है एकदम तैयार। अब ये कचरा इसमें फेंक दूँ क्या? नहीं फेंक पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को, अरे भाई ऑटो रिपेयर शॉप हमारे सामने ही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लोकेशन वो एकदम परफेक्ट है कार सेल करने के लिए, क्योंकि सामने ही रिपेयरिंग सेंटर है। तुम लोग देख सकते हो कार भी पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कार वगैरह रिपेयर होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे कार वगैरह खराब होता है तो सीधा हम लोग सामने की साइड पे जा सकते हैं। ये बहुत सही लोकेशन है, बट इसने पता नहीं क्यों बंद कर दिया पुराने मालिक ने जगह को। ऑफिस करते हैं ओपन, अब इसमें जाते हैं। सामने कौन सा धंधा चालू है पता नहीं, उसके अलावा भी चीजें इतनी मेरे को नहीं समझ रही है। पहले ऑफिस में जाते हैं और कंप्यूटर ऑन करने के लिए कुछ तो बोल रहे हैं लोग। हाँ तो ये है कंप्यूटर, इसे करते हैं ओपन। इसमें हमें करना है इसको अपग्रेड, नहीं सॉरी डेकोरेशन, और डेकोरेशन में आउट डिजाइन इस जो कार का कार सेल लिखा है ना, कार फॉर सेल, उसे चेंज करने के लिए लोग बोल रहे हैं। आई थिंक साइन में होगा, हाँ कार फॉर सेल। इसे चेंज करके हम लोग करने वाले हैं इस दुकान का नाम टोटल कार सेल। ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा भाई, एकदम इजी। टोटल कार सेल मतलब जितनी भी कार होगी वो सभी कार हम बेचेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मर्सिडीज बेच रहे, ओडी बेच रहे, ऐसा नहीं होगा। जो भी कार मिलेगी वो कार को हम लोग बेच देंगे। तो इसको कर देते हैं विड्थ में थोड़ा कम। भाई चीज़ें तो तगड़ी है, मज़ा तो आ रहा है। अभी इसको कर देते हैं अपडेट। $10 अपडेट के लिए? इतनी चीज को अपडेट करने के लिए $10 यार, सीरियसली? कुछ भी चालू है यार, ये लोग कुछ ज्यादा ही पैसा मांग रहे हैं। ऐसे तो हम लोग फिर कंगाल बन जाएगी, $10 ऐसे ही चलेगा बताओ। अभी हमारे पास बचे है $3400 और इसका यूज हम लोग करने वाले। यू हैव कंप्लीटेड योर ऑफिस वर्क, गो टू नेबरहुड टू बाय कार। इन्फॉर्मेशन समझ गया, फास्ट ट्रैवल के लिए हम लोग ये बस स्टॉप का यूज कर सकते हैं। और बस स्टॉप पे लगा हुआ है बर्गर का एड, बट कौन सा बर्गर खाना चाहिए, मतलब बर्गर कौन सा, ऐसा नहीं कौन सी जगह से बर्गर खाना चाहिए ये नहीं बताया। नेबरहुड यहाँ पे हमें जाना है और इधर से हमें खरीदनी है। ये तो वही जगह है? नहीं 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 नहीं, कुछ नया है। मेरे को पहले लगा कि ब्लैक स्क्रीन हुआ और जहाँ थे वहीं पे हम लोग आ गए, बट नहीं भाई जगह चेंज तो हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं इनसे आप बातचीत करके कार को खरीद सकते हो। जैसे कि ये वाली कार है, दिखने में काफी सॉलिड है, इससे बातचीत करके देखते हैं कि ये कार एक कितने में बेचना चाहती है। यू कैन ऑल ओके सेल ऑल डिटेल, ओके। नहीं नहीं ये किसी काम का नहीं है। यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, नहीं ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ ये काम की चीजें है, बट तब जब बेटर चीज। भाई भाई ये गाड़ी को $26,000 की बेच रही जबकि हमारे पास $7,000 है। और औरत है तो भाई लड़की लोग तो कुछ भी करता है। इसके मेरे को नहीं समझता कि $8,000 के आसपास लड़की क्यों मांग रही है, बहुत ज्यादा महंगा है। नहीं 8,000 नहीं, ज्यादा मांगे थे ना इसने, पता नहीं मैं तो भूल भी गया। इतना सर चकरा गया ना मेरा, इसने जो प्राइस वो $26,000 प्राइस बोला था, ये कैसा खींच के लापा मारे ना इसको। अभी इसको देखते हैं ये कितने में बेचेगी। $10,000
बहन $10,000 में आपको खरीद लूँ, ये गाड़ी छोड़ो आप आ जाओगे $10,000 में, कुछ भी मत बोलो। ट्रक को देख लेते, ट्रक कितने का, ओ ये आई थिंक ये ट्रक मेरे ख्याल से बहुत सही है, $3,900 का हम लोग ये ट्रक को खरीदेंगे और इसको अच्छे खासे दाम में हम लोग बेच भी सकते हैं, तो इसे मैं खरीद लूँगा। यू गॉट ग्रेट डील, लेट्स गो। हमने खरीदा है गाइस पहला ट्रक जिसे हम लोग बेचने के लिए जाएंगे, तो चलो अभी यू कैन सी ऑल द बटन रिलेटेड टू द कार हियर। ओके, इंजन ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए आई बटन दबाएगी और स्पीडोमीटर भी है, क्या बात है, स्पीड काउंट होगा। अरे हाँ यार, ये तो स्पीड मीटर भी काम कर रहा है, गेम है तो तगड़ी, मानो या ना मानो मेरे को ये भाई से ना ये वाला कार खरीदना है। एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे तो फालतू में, भाई ये गाड़ी चल नहीं रही है मैं देख रहा हूँ। अरे यार ये तो रेड वाली गाड़ी ने तो इसे ही आके ठोक दिया, ऐसे तो फिर हमारी ये वाली गाड़ी सस्ते बिकेगी। भाई बहुत ही ध्यान से इसको चलाना पड़ेगा, अगर गाड़ी ठुक गई या कोई भी डिमेज आता है गाड़ी में तो उसका कीमत कम हो जाएगा। और वैसे में बिना मतलब का हमने एक्सीडेंट नहीं किया, किसी और गाड़ी ने आके हमको ठोक दिया, ऐसे चलता रहेगा तो दिक्कत होगी। वैसे हमें जाना है 400 मीटर की दूरी पे, तो 300 मीटर ये अभी बाकी है। भाई उड़ाएगा ट्रक, ओई नहीं 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 नहीं, गिरना मत गिरना मत गिरना मत गिरना मत, अरे 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 हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, अभी वो डैमेज हो जाता अगर इसे गिर जाता ना, तो इसको तो मेरे ख्याल से फिर कोई खरीदता ही नहीं। अरे आगे चल रहे भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ये आगे क्यों नहीं चल रही है, ये ट्रक बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेहुदा ट्रक हमने खरीद लिया है। आई थिंक मेरे को लगता है पुरानी गाड़ी खरीद के उसको बेचने वाला धंधा बंद करना होगा, इसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा और बेमतलब का चल भी नहीं रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, देखो इतना जोर लगा रहे तब भी ये थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे चल ले मामा, भाई यार हद, इसने तो दिमाग का दही कर दिया सच्चे में, कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक ट्रक है वो। मेरे को लगा पेड़ पे हम लोग टकरा जाएंगे, बट अच्छा हुआ वो पेड़ नहीं थे। अभी 90 मीटर की दूरी पे कोई वो गाड़ी आके ना ठुक दे, भाई तू चला जा आगे। अरे ब्रेक मार ले मामा, ब्रेक मार ले भाई, इधर किसी को ट्रैफिक के रूल ही नहीं पता, उसको डर ही नहीं है कि उसकी गाड़ी ठुकेगी, ऐसा सब ध्यान अपन को ही रखना है। अब इसको रख देते हम लोग, अच्छा यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब नीचे उतर जाते इंजन को बंद करके, ये उतर गया हम लोग नीचे। अब इसको बेचने के लिए हमें करना होगा कंप्यूटर ऑन, ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो इधर गए और इसमें वेब पेज, डिलीवरी ट्रक 2000 के साल में खरीदा गया और इसे चलाया गया 141,000 किलोमीटर, तो ये वाला जो ट्रक है इसको हम लोग बेच सकते। अच्छा इसमें हम लोग फोटो वगैरह भी डाल सकते, यू कैन एंटर द प्राइस ऑफ द कार हियर। हम लोगों ने $4,000 की खरीदी है, तो मेरे को लगता है इसको हम लोग आई थिंक $7,000 या $8,000 में बेचेंगे, तब जाके मेरे को लगता है कि फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा है नहीं। और फोटो वगैरह मेरे ख्याल से समझ नहीं रहा इसमें फ़ोटो कैसे डालेंगे, टेबलेट मेरे पास है नहीं तो मैं फ़ोटो कैसे खींचूंगा बताओ। इससे फ़ोटो के बिना भी काम चल सकता है, तो हम लोग चला लेंगे। इसमें क्लिक करते हैं और इसका नाम देते हैं टोटल फर्स्ट कार सेल, ये हो गया कार का, ये किधर गया कार सेल। और इसमें हम लोग प्राइस डाल देते हैं $8,000, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस है आई नो, बट हाँ मुझे लगता है कि इतने में तो ये बिकना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसका डैमेज वगैरह देखो तो मेरे को नहीं लगता कोई इसका $8,000 भी देगा। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी रियल कीमत $5,000 या $8,000, हम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, बट ठीक है चलो हमने सेल में डाल दिया है, देखते हैं कस्टमर आके खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। भाई सेल का बैनर लगा होगा कि नहीं, मेरे को लगता था कि सेल का बैनर लगेगा, बट सेल का बैनर ही नहीं लग रहा। अरे दो कस्टमर आ गए भाई साहब, मज़ा आ गया, ये रहा सेल का, लगा तो है सेल का बैनर। बातचीत करते हम लोग इन लोगों से, अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग यार, अच्छा इधर आके खड़े हो गए क्या, अरे एकदम लाइन में तीनों के तीनों खड़े हो गए, $8,000 में लोग लेने वाले क्या। आई एम थिंकिंग आई एम ओके विथ करंट प्राइस आई विल बाय इट। ओ ब्रो, हम लोगों ने $8,000 में इस ट्रक को हमने खरीदा था कितने में ये बताओ, $4,000 में हमने खरीदा था, $4,000 में भी $3-4 कम में खरीदा और $8,000 में बेच भी दिया, वो भी पहले ही कस्टमर को, गजब है भाई, ये गेम नेक्स्ट लेवल है। अगर ऐसे डील रियल लाइफ में मिल रहे हैं ना, तो मेरे को कार का शोरूम तो ओपन करना है, कन्फर्म कार का शोरूम मैं ओपन करूँगा। अभी मेरे को सोने के लिए जाना है 300 मीटर की दूरी पे, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ $10 का टिकट, क्योंकि $10 चलेगा यार, हम लोगों ने $4,000 का प्रॉफिट बनाया है भाई, आज तो खुद पे प्राउड फील कर दिया मैंने।
मजा आ गया भाई, मतलब $4,000 का प्रॉफिट, $4,000। ओ नो, अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा, अगले दिन पे जाते हैं। अब आज भी $4,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाने की मैं सोच रहा हूँ। $11,500 अपने पास पड़े हुए हैं। अभी हम लोग सीधा जाएगी दुकान पे, कार मार्केट जाए क्या? कार मार्केट मेरे ख्याल से अभी ओपन नहीं होगा। यू कैन हैव योर कार रिपेयर पेंटेड कस्टमाइज और वॉशेड, द कार मार्केट ओपन ऑन सर्टेन डे ऑफ वीक, इफ यू वॉन्ट टू बाई डिफरेंट कार यू कैन गो क्लिक टू टूल ई टू एक्सेस टूल मैन, यू कैन मूव योर कार टू योर ओन पार्किंग एरिया टू रिपेयर एरिया। समझ गया वो लोग क्या कह रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कार मार्केट जाने का भी मतलब नहीं बनता अभी। अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं ऑफिस पे, और ऑफिस से सीधा मेरे को कार पे ही जाना चाहिए था, $20 का बर्बादी होगा। हमने ब्रांडेड वाला काम कर दिया, नेबरहुड जाते हैं क्योंकि मुझे और भी गाड़ी खरीदनी है और उसे बेचनी है। भाई ये वाले ट्रक ने हमें गंदा प्रॉफिट दिया है, इसका ही प्राइसिंग इससे मांगते हैं, ये कितने में बेचना चाहता है ट्रक को, क्योंकि ट्रक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, $4,432। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये है ना, मेरे को एक बार लुक करने दो भाई, लुक भी ज़रूरत नहीं है, तू बेच दे मेरे को, मेरे को मांगता है भाई तेरा गाड़ी, तू टेंशन मत ले, तू बहुत सही वाला प्राइस में बेच रहा है। अभी मेरे को $7,000 बचे ना, एक और कार भी खरीद लेने दो। ये वाले कार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं चेक कर लेता हूँ ये कितने में बेचेगी। मैडम $16,000 में ये एक लाफा मारूंगा, धरती चाटते फिरोगे, आपको खरीद लो $16,000 में। बहन आप समझ रहे हो बात को, $16,000 में आप आ जाओगे। अब ये देखने दो मेरे को, $32,000 ये एक लाफा। भाई ये दोनों बहन ही है, सामने वाली बहन थोड़ी ज़्यादा खाते पीते घर की है, इसको थोड़ा कम खाना पीना मिल रहा है मेरी तरह। इसका गाड़ी बहुत ख़राब है, $32,000 किस हिसाब से, आंखों में पोलियो हुआ है क्या इन लोगों के, गाड़ी दिख नहीं रही इनको अपनी, ये इसी गाड़ी का मैं किसे पैसे मांग रहा हूँ। ये भाई साहब देखना बढ़िया पैसे मांगे गए, नॉर्मल, कोई मगजमारी, लड़का है देखो भाई, हम लड़के लोग बहुत शरीफ है, मतलब हमारे जीन की ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, $10,000 दो कार ले जाओ। और वो दोनों लड़की से बेटर ब्लैक कलर की कार तुम देखो भाई, ये कितना प्रॉब्लम है, इस वजह से $10,000 की यही कार वो लड़की के पास होती ना, पता नहीं वो $7,000-$70,000 मांग लेती भाई। प्राउड फील करवा दिया तूने लड़कों को, मजा आ गया, इसी बात पे लाइक मारो भाई। मुझे लगता है यहाँ पर अगर मैं और 10 मिनट रुका तो ब्रांडेड हो जाऊंगा, मतलब इतना कुछ ज़्यादा चल रहा है ना इन लोगों का, कुछ भी प्राइस मांग रहे हैं, मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ से ये ट्रक लेके सिर्फ निकलने वाला हूँ, मेरे को और कुछ नहीं खरीदना है, मेरा हो गया, कुछ भी प्राइस चालू है, कुछ भी चल रहा है, हम लोग ये ट्रक को बेचेंगे और अभी के लिए थोड़ा रेस्ट करेंगे और day 3 पे आके चीज़ों को खरीदेंगे। इतना मेरे को समझ गया, क्योंकि ये लोग गंदा पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, $10,000-$20,000 तो लड़के मांग रहे हैं, लड़कियाँ सीधा $50,000-$90,000, $1,00,000 भाई, देखिए भी $1,00,000 कैसे होते हैं, लोगों को पता भी है क्या नहीं। अरे ये ट्रक बढ़िया है, ये ट्रक में स्पीड भी बढ़िया आ रही है, आई थिंक ये वाला ट्रक हम लोग महंगा बेच सकते हैं। पहले हम लोगों ने $8,000 का ट्रक बेचा था, ये वाला ट्रक हम लोग बेचने वाले हैं $12,000 का, सीधा $4,000 हम लोग महंगा करके इसको बेचेंगे, क्योंकि ये ट्रक का स्पीड और सभी चीज़ें बढ़िया है, तो इतने में तो ये बिकना चाहिए। केयरफुली चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग, वो ये ठुक गया, बच गया, ऑलमोस्ट बच गया, वरना ठुक दिया था मैंने। अच्छा चलो अब उतर जाते हैं, हाँ उतर के, अरे इंजन बंद करना रह गया, इंजन बंद कर देते हैं, और यहाँ से कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। और द कार मार्केट प्लेस इज ओपन, ओके कार मार्केट ओपन हुआ है, एक बार ना हम लोग कार मार्केट जाके आते हैं, मैंने अभी नोटिस किया, मैंने अब तक नहीं देखा था। अब देखते कार मार्केट में चीज़ें कितने की मिलती है और क्या सीन है कार मार्केट का। अच्छा यहाँ पर है कार मार्केट, और कस्टमर तो भाई देखो कितने सारे हैं इधर, आइसक्रीम वगैरह खाना है तो यहाँ से हम लोग सोडा वगैरह पी सकते हैं, कोका कोला है और बाकी सब चीज़ें भी है। हम लोग ध्यान देते हैं मेन चीज़ों पे, मेन चीज़ है अपनी गाड़ी। भाई ये वाली गाड़ी तो मेरे को लैम्बोर्गिनी लग रही है, हाँ ये तो लैम्बोर्गिनी है शायद से, कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग लैम्बोर्गिनी है कि नहीं इसके, भाई बातचीत करके देखते हैं कितना पैसे का है ये, $5,38,000। नहीं भाई नहीं, सॉरी गलती हो गई, माफ़ी हो गई, इधर मैं गलत जगह पर आ गया, इधर एक बार बातचीत करके देखते हैं। और इसका $50,000 तो मेरे पास नहीं है, $50,000 भी होगा ना बहन तो ये गाड़ी में तो मैं नहीं उड़ाऊंगा, तुम मानो या ना मानो। अब देख ले तो ये वाली गाड़ी, बाकी कोई काम का कुछ चीज़ है नहीं मेरे ख्याल से हमारे लिए, तो ये लग रही है मेरे को कुछ BMW वगैरह, ये कौन सी है, सुपर कार ही, बट कौन सी वो मेरे को नहीं पता। ये 400,000 लाफा मारूंगा ऐसा खींच के ना, ये देख लेते हैं, ये तो वही लड़का है जो वहाँ पे भी चीज़ें बेचने के लिए बैठा था, $7,00,000 का गाड़ी,
इसका ऊपर का हिस्सा देखो तो एकदम किसने दिए मारा ऐसा लगता है, और इतना 7 लाख मतलब कुछ भी चालू, यहाँ से चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग जो चीज़ें बेच रहे हैं ना वो भी बहुत कम प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लोग कुछ भी पैसे ले रहे हैं, मतलब कुछ भी मांग रहे हैं। ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं कि इतना, हम लोग ट्रक 12,000 में बेच रहे हैं, मेरे को लगता है हमको ट्रक ये वाला बेचना चाहिए $20,000 का, क्योंकि मार्केट में चीज़ों की प्राइस आसमान छू रही है और हम लोग बेच रहे से $12,000 का, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी मैं जाऊँगा डिलीवरी ट्रक, और ये तो 2003 का मॉडल है भाई, ये वाला जो कार है वो 2003 का मॉडल है, 116,000 किलोमीटर ही चला है इसका, तो पक्का मैं इतने भी बेचूंगा। टोटल सेकंड कार सेल, टोटल सेकंड कार सेल, और इसका प्राइस हम लोग रखेंगे $20,000। अगर लेना है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ वो वाला सीन है, क्योंकि प्राइस हम तो इतना ही रखेंगे जो भी हो जाए। और कलर है वाइट, उसके अलावा हम लोगों को ये लोग कोई कैरेक्टर स्किल के बारे में भी बता रहे, स्किल वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं स्किल पॉइंट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उसके बाद हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। वैसे थोड़ा वेट करते हैं कस्टमर आने का, क्योंकि हमने सेल पे तो डाल ही दिया है $20,000, मेरे को लगता है बहुत हाई प्राइस हमने रख ली है, इस वजह से कोई खरीदने के लिए आएगा नहीं शायद, बट वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ चुका है हमारा पहला कस्टमर, देखते हैं कितना पैसा बोलता है, ये $20,000 देता है कि नहीं देता। भाई $20,000 दे दो मज़ा आ जाएगा, अगर इसने $20,000 दे दिया तो भाई यार $5,488 मेरे को नहीं लगता, हम लोगों ने पहले $8,000 में बेचा है और इतने कम में बेचने का मेरे को नहीं लगता कोई लॉजिक है, तो नहीं हम लोग नहीं बेचने वाले, आप जा सकते हो। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, एक और कस्टमर आएगा और शायद से वो पैसे ज़्यादा दे दे। दूसरे दिन की रात हो चुकी है बट दूसरा कस्टमर ही नहीं आया है ट्रक को खरीदने के लिए, मेरे को लगता है मैंने ओवर प्राइस कर दिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा बेच रहा हूँ, इस वजह से कोई उसे खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, बट कोई ना भाड़ में जाए, हम लोग जाएंगे अभी सोने के लिए और तीसरे दिन पे वेट करेंगे कस्टमर के लिए। और अगर कस्टमर नहीं भी आते भाई ये तो रिजल्ट में -$400 जा रहे हैं, $4,400, ये कुछ ज़्यादा ही लफड़ा हो गया भाई। चलो ठीक है, अब ये वाला जो दिन नया है तीसरा दिन, इस पर हम लोग जाके वापिस से और कार खरीद के आएंगे, नेबरहुडी जाते सीधा और सस्ते में गाड़ी मिलती है तो खरीद के आते हैं, क्योंकि हर दिन नया जब आता है ना तो कुछ नई गाड़ी वगैरह हमको देखने को मिलती है और वो भी सस्ते में। ये वाले भाई साहब कितने में दे रहे वाली गाड़ी, ये गाड़ी दिखने में है भी अच्छी, अगर ये हमारे बजट में आ जाती है ना तो इसको मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। वैसे हाउ आर यू भाई, $6,700 कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़ा मेरे को चाहिए तो मैं खरीद लूँगा, बढ़िया है, इसको खरीद ही लेते हैं भाई, ज़रूरत भी है यार, अपने शोरूम में एक आध और गाड़ी होगी तो मज़ा भी आएगा, तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया है। दो गाड़ी एक साथ बेचेंगे तो वजन पड़ेगा वहाँ पे, और लोग जो कस्टमर आएंगे वो भी देखेंगे कि नहीं कार तो ज़्यादा बेच रहा है तो कुछ तो बात होगी, तो इस वजह से मैंने इसको खरीद लिया। भाई इसकी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, ये वाली आई थिंक मेरे को लगता है गाड़ी हम लोग $10,000 या $20,000 में बेच सकते हैं, $25,000 की बेच सकते हैं, $20,000 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये कस्टमर भी आया हुआ है। तुम लोगों को आइडिया होगा ही भाई कि जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो तुमने देखा होगा कार मार्केट में तो बहुत महंगा सब सामान बिक रहा था, उस मुकाबले तो हम लोग कुछ नहीं बेच रहे हैं। बहन कितने में आपको चाहिए? ज़्यादा बोलो यार, $4,200 में तो नहीं होगा, फिर तुम लोग बोलते हो मैं चीज़ें बेचता नहीं हूँ, कैसे बेचूँगा, एकदम पानी में बैठ जाओगे क्या यार, कुछ भी कीमत लगा रहे हो। मैंने खरीदा 4,400 का है यार, 5,400 तो पहले एक मेरे को ऑफर करके गया, ये आ गई डूसी माँ, एक मिनट रुको, डूसी से बातचीत करने से पहले मैं गाड़ी को थोड़ा पार्किंग में लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सही तरीके से करते इसे और लगा देते इसको इस तरीके से पार्किंग में, बढ़िया, इंजन बंद करते हैं, नीचे उतरते हैं और ये बुढ़ी और इससे बातचीत करते हैं, बुढ़ी होगी या भाई हम लोग भी एक टाइम पर हो जाएगा बुढ़े गेम खेलते खेलते। $5,000 नहीं, $600 का प्रॉफिट में मैं नहीं बेचना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ये वाली गाड़ी मैं $25,000 की बेचूंगा, मेरे को ओवर प्राइस चीज़ें बेचने की बहुत ज़्यादा वो रहती है, खुजली रहती है। वैसे हाँ अगर चीज़ें नहीं बिकेगी तो मैं प्राइस को थोड़ा कम कर दूंगा, बट मैं गेम के साथ जा रहा हूँ, गेम को समझने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। इस गाड़ी का नाम है चेवलेट गाड़ी, केवलेट गाड़ी बोलेगी या चेवलेट बोलेगी जो भी बोलेगे, C10 है और 80,000 किलोमीटर चली है, 1993 का मॉडल है भाई, बहुत पुराना है। अब इसका नाम रखेंगे टोटल थर्ड कार सेल, इसका प्राइस रखेंगे हम लोग $25,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट हाँ ठीक है, इसको हम लोग लगा देते हैं पुटी टोन सेल। हाँ अगर कोई आके कम में मांगेगा तो दे भी देंगे, ऐसा नहीं है कि इसको वही करेंगे।
वैसे हम लोगों का बार्गेनिंग स्किल भी ओपन हो चुका है, एक बार वो भी चेक करेगी ये कितने में मांग रहा है। $5400 पे नहीं होगा भाई, $5400 पे सब लोग क्यों मांग रहे हैं, $8000 में पहले बेचा है मैंने, ये कस्टमर वापस आया ई बी 5300 ही मांग रहा है, नहीं नहीं होगा, ये वाली गाड़ी देखने के लिए कोई आ जाओ। स्किल पॉइंट से हम लोग बार्गेनिंग वाली स्किल को ओपन करेंगे, ये वाली को स्टार्ट बार्गेनिंग, चलो लीड्स को बार्गेनिंग करते हैं, मजा आएगा। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कितने में चाहिए इनको, ओ आई नीड टू थिंक, $9300 बहुत कम है क्या, आप कम से कम हमको $15000 दे सकते हो, $15000 में मैं बेचने के लिए मेरे को चलेगा, $15000 चलेगा। देर इज़ नो पॉइंट टू मेकिंग एंग्री नाउ, प्लीज स्टॉप, आई वॉज वंडरिंग इफ यू क्लाउड लोअर प्राइस विद, नहीं नहीं होगा, आप चले जाओ, एक काम कर तू इधर से निकल जा, तेरे को अब मैं $20000 बोलता हूँ, तेरे को बहुत होशियारी चढ़ी है ना, तू गुस्सा हो जाएगा, बाप के सामने गुस्सा करेगा, अबे गाड़ी खरीदनी तो खरीद, $20000 में दूंगा, अभी निकल जा इधर से जा, भाग भाग भाग, नहीं बेच मेरे को गाड़ी, तेरे को बेचनी नहीं, नहीं तू आया क्यों इधर, मैंने थोड़ी तेरे को बुलाया, कुछ भी भाई, भाई ऐसे तो दुकान नहीं चलेगी मेरी। अरे भाई ये आंटी तुम तो अपना डुप्लीकेट लेके आई, हद हो गई, डबल रोल ये गेम में डबल रोल चालू है लोगों का, $5500 तो नहीं होगा, कम से कम आप मेरे को $8000 तो दे दो यार, $8000 तो चाहिए मेरे को, नहीं होगा नहीं होगा, आप जाओ आप जाओ, मैं अभी आपको $15000 में बेचेगा, खरीदना है बोलो, अब मैं $15000 बोलता हूँ, नहीं 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 अब नहीं होगा ना, अब मेरा हो गया, तुमको पहले कम प्राइस दिया, तुमने नहीं खरीदा, नहीं नहीं कीप ट्राइंग टू प्रोवोक मी, माय रिएक्शन माई बी, अरे तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, अब तो $70000 बोलता हूँ, तेरे को खरीदना है खरीद, वरना तू निकल जा, निकल अभी निकल, नहीं तेरे को बेच, मैं तो पहले ही सोच लिया था तेरे को नहीं बेचूंगा। अभी भाई लोग बोल रहे वीडियो देख के यार, अजीब भाई धंधा करने का तरीका है क्या, मैं मजे ले रहा हूँ और कुछ नहीं है, बार्गेनिंग करते हैं सब लोग, $5000 पे अटके हुए, मेरे को लगता है $6000 में इसको बेच देना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए, ऑफर कर देते हैं, नहीं नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे को, $6000 आप एक काम करो, इतना दे दो, इतना दे दो मेरे को चलेगा, नहीं इतना नहीं होगा नहीं होगा, सॉरी 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 यार, नहीं नहीं मेरे को क्या इतना, तुम लोग यार इतना हरकत क्यों करते हो, मेरे को नहीं आती बार्गेनिंग भाई, मैं तो ज़्यादा प्राइस करके बोलूँगा निकलो, अभी बेचना नहीं है बहन, निकल जाओ अभी, अभी हो गया ना, आप जाओ आप जाओ, ये भाई से बातचीत करने दो, इतना प्राइस में यार अभी मेरे को क्या, $5600 हाँ इससे हम लोग सही बार्गेनिंग करेंगे, इसको हम लोग पहले 6000 बोलते उसके बाद कम कर देंगे, देखते ये देता है कि नहीं देता। ओके लेट्स गो, हमारी जो ट्रक थी उसको खरीद लिया इसने, कुछ ज़्यादा हमको प्रॉफिट नहीं मिला है ट्रक से, बट हाँ ठीक है, द ऑक्शन इज़ ओपन टूडे, 12 PM विल स्टार्ट, अभी 12, अरे हो चुका है, ऑक्शन पे जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे बातचीत करके सीधा ऑक्शन पे जाते हैं, ये 25000 में लेगा क्या भाई, पहले ही एक बंदा आके 10000 ऑफर कर चुका है, अगर आपको ख़रीदना है तो आप मेरे को $15000 दे दो, वरना टाइम खोटी मत करो, ये भाई साहब टाइम खोटी कर रहे हैं, चलो आप जाओ, मेरे को नहीं बेचना आपको, निकलो इधर से, बहुत ज़्यादा टाइम खोटी कर दिया आपने, मेरे को अभी ऑक्शन में जाना है, ऑक्शन किधर है, ऑक्शन बंद तो नहीं हो गया ना, ऑक्शन होता किधर पे है, कार ऑक्शन कहाँ होता है यार, कार ऑक्शन होता किधर पे है, यहाँ पर इन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया है ऑक्शन पे जाने का, तो हम लोग ऑक्शन नहीं जाने वाले हैं और वेट करेंगे इस गाड़ी को बेचने तक, और ये गाड़ी जब बिकेगी उसके बाद हम लोग सोचते हैं कहाँ जाना है, वैसे मैं नाइबरहुड जा सकता हूँ, वो एक बेटर ऑप्शन है नाइबरहुड जाना, कंप्यूटर में मैं देखता हूँ अपग्रेड में क्या है, अपग्रेड में हम लोग ऑफिस अपग्रेड कर सकते हैं, ये टो खरीद सकते हैं, टो का यूज़ क्या होगा, इफ यू गेट टो ट्रक पार्किंग स्पॉट यू कैन क्विकली ट्रांसपोर्ट योर व्हीकल टू पार्किंग स्पॉट, समझ गया, ये आई थिंक काम का चीज़ है, मेरे को लगता है इसको खरीदना चाहिए, पहले तो इसको ही खरीदना पड़ेगा, उसके बाद 75000 वाला खरीद सकते हैं, ये खरीद के हमने अच्छा किया मेरे को लग रहा है, कस्टमर अरे ये लड़की को बेच देते, मेरे ख्याल से पहले जो बंदा आया था ना 10000 वाला, $9300 वाला वो बेस्ट था, अभी देखो ये लोग कुछ मांग ही नहीं रहे भाई यार, मेरे को कम से कम $10000 दे दो यार, मैं बेच दूंगा $10000 में कार ले जाऊँ, दिक्कत नहीं है, मुश्किल है यार इतना कम में तो बेचना थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता है, आप क्या कम से कम को $8000 दे सकते हो, $8000 में मैं बेच दूंगा, नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मेरे को $8000 भी नहीं यार, $7000 दे दो, चलो $7000 चलेगा आपको, बोलो इतना कर सकता हो, ओके तो हमने गाड़ी बेच दी है $7000 की, और अभी स्किल सेट एक और ओपन हुआ है, इसको भी खरीद लेते हैं, स्किल पॉइंट में ये वाली स्किल में अनलॉक कर सकते हो, ये क्या है,
यू कैन सी डैमेजेड कार पार्ट एंड हेल्प फॉर डिटेल, इट ऑल्सो ऑल ऑफ यू मेक टू एक्सपर्टाइज। हाँ ये खरीद लेते हैं, बढ़िया है। और ये है यू कैन क्लीन योर व्हीकल यूजिंग स्पून्स। नहीं 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 नहीं, स्पून से खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये बेटर रहेगा कार को वॉश करने के लिए। तो मैं स्पून्स खरीद लेता हूँ, बाद में इसको खरीदूंगा। अभी मैं जाने वाला हूँ नेबरहुड, क्योंकि मेरे को खरीदना है एक और कार। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक कार अपने लिए खरीदूंगा और एक बेचने के लिए खरीदूंगा। ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमको पैसे ज़्यादा बनाने हैं, तो ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। ये वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है, यहाँ से टूटी हुई है, बाकी देखते हैं कितना बोलते हैं। अगर इसने ज़्यादा बोला ना तो लाफा मारूंगा मैं। अरे बढ़िया है, $2,000 में तो एक नंबर है। एक मिनट को इसको बार्गेनिंग करते हैं। 2,000 नहीं, आप मेरे को 1500 नहीं, 1,000 में दे दो। नहीं यार ये इतने में मान नहीं रही है, मेरे को लगता है हम लोग ऊपर कर सकते हैं इसको। $1,500 बेस्ट है, 1500 से ज़्यादा नहीं देंगे। ओके चलो, आप 1500 नहीं, आप एक काम करो 1700 दे दो, बस 1700 में दे दो। 1700 में तो आ जाना चाहिए। नहीं यार बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं चला गया, हमको इतने में ही खरीदना पड़ेगा। सही है चलो, मेरे को मतलब मैंने गलती कर दी यहाँ पे, बार्गेनिंग में दूसरी बार ऑप्शन नहीं देते, मेरे को लगा ऑप्शन देते होंगे, इस वजह से मैंने कर दिया। ये क्या खरीद लिया। अब ये वाला एक ट्रक मैंने चेक नहीं किया है, अगर ये मेरे को सस्ते में मिल जाता है ना तो मैं सोच रहा हूँ खरीदने के लिए। देखते बातचीत करते कितने में बेच रही है। 6600 काफ़ी ज़्यादा है, वैसे मैंने इसको 4000 में भी पहले ख़रीदा हुआ है, तो एक बार बातचीत करते हैं। या आप मुझे ये 4000 में दोगे। मुझे लगता है कि नहीं, ये 4000 में नहीं दे रही है, 5500 में दे दो, मैं ख़रीद लूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। 5500 में तो आ जाना चाहिए। 5500 में भी ये लड़की मान नहीं रही है, तो इसको हम लोग दे देते हैं 6000। कितने में इसने ये बेचना, कितने में चाहती थी। चलो ये आखिरी मेरा ऑफर है 6000, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। चलो मेरे को ख़रीदना भी नहीं है, भाड़े में जाओ आप। अभी जो ये मैंने ख़रीदा है इसको लेके मैं जाने वाला हूँ सोने के लिए, टाइम हो चुका है गुड नाइट का। तो हम लोगों ने तीसरे दिन पे कमाया है $4,000 वापस एक और बार, बढ़िया तरीके से मज़ा आ गया भाई। अभी हम लोग वापस गाड़ी लेके जाने वाले हैं ये वाले रास्ते पे, क्योंकि मेरे को ये चेक करना है कि अरे इंजन तो स्टार्ट करने दो, अब होगा असली मज़ा। ये ऑक्शन कहाँ पे होते हैं, ऑक्शन गाड़ी के जहाँ होते हैं ना, वो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। ऑक्शन पे जाने का मेरा काफ़ी मन है, कोई जगह है जहाँ पे ऑक्शन हो रहा है वो एक बार चेक कर लेते। अच्छा ये रहा, कार ऑक्शन यहाँ पे ही है, देख लो तो तुम लोग भी, यहाँ पे है कार ऑक्शन, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक मिनट रुको, हम लोग उतर के एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये है कार ऑक्शन, हम लोग आएंगे। आज होने वाला है क्या कार ऑक्शन? हाँ 4 बजे कार ऑक्शन होने वाला है। अरे स्टार्ट हो चुका है क्या कार ऑक्शन? प्लीज़ परचेस डेली टिकट। अच्छा टिकट भी परचेस करना पड़ेगा क्या? लाओ भाई टिकट दे दो। कौन सा कार ये लोग बेचेंगे देखते हैं। ओके 7 मिनट की देरी है, ये ऑक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा वेट कर लेते हैं। और क्या, जब तक 4 नहीं बजते तब तक हम लोग जाने वाले हैं नेबरहुड और भी कार अपने लिए खरीदने वाले हैं। अरे 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 ये गाड़ी है तो मस्त, ये गाड़ी को मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी बनाने वाला हूँ, इसको ही मैं चलाऊँगा, इसको बेचूँगा नहीं मैं। ये बहुत सही है, सभी लोग इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं गाड़ी को? ये वाली गाड़ी भी टूटी फूटी है, इसका तो मैं $3,000 दे सकता हूँ ज़्यादा से। वो ये सिर्फ $2,000 में, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। 1500 में मांगते के देखते हैं, 1500 में मिल जाना चाहिए। 1700 दे सकता हूँ, वैसे मेरे को देना तो 3000 तक था, बट हाँ 1700 भी बेटर है। चलो हम लोग इसको देते 1900, बस 1900 आखिरी ऑफर है हमारा, 1900 पे आप दे दो। 1900 यार बेस्ट ऑफर दिया मेरे ख्याल से मैंने, ये इतना वो क्यों कर रही है? 2530 तो है, हम लोग ने तो बढ़िया तो दिया था। चलो ठीक है फिर भी खरीद लेते हैं इसे, खरीद के सीधा मैं बेच देता हूँ इसको। बेच क्या मतलब, ये टो ट्रक से पार्किंग के आउटसाइड भेज देते हैं, पार्किंग पे ही भेज देते हैं अपने। और भी गाड़ी चेक कर लेते हैं खरीदने जैसा कुछ है कि नहीं है। ये भी मरी हुई गाड़ी है पहले वाली गाड़ी की तरह, बट हाँ ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से अच्छी है दिखने में, तो इसके अच्छे खासे पैसे हम लोग दे सकते हैं, आई थिंक 350 के आसपास, उससे ओ ये भाई ये तो उससे भी ज़्यादा सस्ती है। इसमें बार्गेनिंग करते हैं, 1200 पे मांगते हैं, ये भी मिल जाएगा तो बढ़िया है। 1200 में मिलेगा क्या? आई एम थिंकिंग 1200 में दे दो यार। 1300 बेस्ट है भाई, 1300 में तो दे देना चाहिए। ये लोग ना बहुत वो करते हैं, बार्गेनिंग करते नहीं, ये दिक्कत ये है भाई। इन लोगों को फिर हमको जो प्राइस में लोग दे रहे हैं ना उसी में खरीदना पड़ता है। चलो ये कोर हमने खरीद लिया, इसको भी मैं सीधा भेज देता हूँ।
अरे टो ट्रक अवेलेबल नहीं है, चलो इसको हम लोग ओके रिपेयर बाय वन हैव यू कार मूव टू रिपेयर बाय वन, चलो इसको हम लोग रिपेयर में भेज देते हैं, जब इसको रिपेयर करो मस्त तरीके से थोड़ा पैसा लगा के बेचेंगे इसको। ये वाली गाड़ी भी मरी हुई है, देखते इसका कितना है मांगती है पैसा। 2400 आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, क्या आप ये मेरे को 2200 में दे सकते हो? 2200 क्योंकि पहले ही मैं 2000 की ले चुका हूँ। 2300 लेट्स गो, 2300 बेटर रहेगा, अगर आप बोलो तो मैं 2300 दे सकता हूँ। 2300 चलो नहीं हो रहा है क्या, 2400 ले लो, चलो 2400 में दे दो, 2400 तो आप बोल भी रहे थे ना, $2,000 तो कम कर दो। चलो ये भी मिल गया, अब इसे मैं भेज देता हूँ रिपेयर टू में। तो अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं ऑटो रिपेयर पे, हमारे शॉप के सामने ही ऑटो रिपेयर है, तुम लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 गाड़ी भेजी है रिपेयरिंग के लिए, तो देख लेते हैं उन लोगों ने कैसा रिपेयरिंग किया है उसका। और अभी हमारे पास 3 गाड़ी है बेचने के लिए, तो तीनों गाड़ी को हम लोग चलो हो गया काम। ये वाली गाड़ी का कीमत अभी और गिर जाएगा, मेरे को लगा था कि इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, बट मैंने लीवर को ज़्यादा ही दे दिया। इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, इसे भी बाद में रिपेयर कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, बिना मतलब का ये गाड़ी को ठोक दिया भाई। यहाँ पे रोक देते हैं गाड़ी को, तो जाते हैं और इस गाड़ी को हम लोग रख देते हैं। कार को चला सकता हो क्या? एंटर, चलो इसको इंजन करते हैं ऑन, और इसको भी मैं रिपेयरिंग के लिए दे देता हूँ, अंदर रख देते हैं यहाँ पर। इसको इंजन करते हैं बंद, इसके बाहर निकलते हैं। ये दोनों की दोनों कार हमारी ही है जो कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भेजी थी, अभी इनसे बातचीत कर लेते हैं, टोक करते हैं। रिपेयर ऑल पार्ट, हाँ $60 ले लो, बट रिपेयर करो फटाफट से। और भाई आप भी $1200, आई थिंक मेरे को लगता है अगर मैंने इसको रिपेयर करवा दिया ना तो इसे मैं काफ़ी ज़्यादा महंगा बेच सकता हूँ, तो हाँ मैं इसमें $1200 डालने वाला हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाली कार वगैरह तो मैं लेके जाऊँगा, बट उससे पहले 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले हैं कार ऑक्शन में, और मेरे को ये देखना है कि कार ऑक्शन में क्या मिलता है। कार ऑक्शन एक काफ़ी बड़ा नाम है, हमने $300 का टिकट भी खरीदा है भाई, इतना नज़दीक में कार ऑक्शन था वो मेरे को नहीं पता था, तो मैं वरना पहले ही आ जाता। चलो टाइम हो चुका है, 1 मिनट इंजन बंद कर देते हैं, और $300 का हमने टिकट लिया है, खाना पीना भी मिल रहा है। कुर्सी है क्या? ये रही ना चेयर, अरे आ चुकी है, विल स्टार्ट, लेट्स गो। इसका क्या बोल रहे हैं लोग? पहली वाली जो गाड़ी है उसका बीट चालू है। अरे खरीद भी लिया क्या किसी ने? अरे 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 इतना ज़्यादा महंगा, 20,000 में कौन बेचता है भाई, कुछ ज़्यादा ही महंगा है, हम लोग नहीं देने वाले इतने ज़्यादा पैसे। हमारे पास $1200 है भाई, हम कहाँ इतने ज़्यादा पैसे डालेंगे। ओ नो ब्रो, बीडिंग तो चल रही है अलग लेवल पे, $22,000 में किसी ने मांगा है इसको। देखते हैं ये वाला कार कितने में बिकेगा, क्योंकि 25,000 तक तो बीडिंग पहुंच चुकी है भाई साहब, 26,000 पहुंचने वाला है, अब तो बिक जाएगा। चलो अब ये दूसरी गाड़ी आ चुकी है, सेम उसके जैसी ही है, मैं 300 बोल सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टिंग बीडिंग 19,000 की है, हद हो गई भाई, इतना महंगा सब चीज़ें क्यों लोग खरीद रहे हैं भाई, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है, हम लोग गलत जगह पे ऑक्शन में आ चुके हैं। इसका बीडिंग ही 2,00,000 से स्टार्ट हो रहा है, तुम देखो मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हद हो गई है। देखो मतलब ये लेम्बरगिनी जैसा कुछ मेरे ख्याल से बिकने के लिए आया, फरारी बरारी आया बिकने के लिए, तो लोग पैसे ऐसे डाल रहे हैं भाई, बात ही मत पूछो, मतलब अलग ही लेवल पे। मेरे लिए नहीं है ये बीडिंग वगैरह, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे से देखा भी नहीं जाएगा, इतना महंगा सामान खरीद रहे लोग यार, हमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही लेवल पे चालू है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने शॉप पे, यहाँ पे गाड़ी को रख देते हैं, ये वाली इंजन कर देते हैं बंद, और जो 3 गाड़ी हमने खरीदी है ना उसको अभी के लिए बेचेंगे, जो हमने गाड़ी रिपेयर करवाई है उसको एक बार वो कर देते हैं, बेचने के लिए रख देते हैं। अभी मेरे को कार चेक करने दो, ये कार का स्टेटस मेरे को पता लग सकता है क्या? कार पैनल में जाते हैं, हाँ एकदम बढ़िया है, अभी तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से मस्त बिकने वाली है भाई, ये एक नंबर बिकेगी ये गाड़ी। अभी इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा भाई, ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो चुकी है, ये वाली कार मेरे ख्याल से तो अच्छी खासी बिकने वाली है, इसका तो अच्छा खासा पैसा हमें मिलने वाला है। इसको रख देते हम लोग, 1 मिनट कैमरा चेंज करते ताकि हम लोग बढ़िया पार्किंग कर सके, बढ़िया हो गया पार्किंग। इसको यहाँ रख देते हैं, इंजन करते हैं बंद और नीचे उतर जाते हैं, ये कचरा उठा लेते हैं और इसको डाल देते हैं इधर पे,
और ये वाला कचरा भी हम लोग डाल देते हैं इधर पे। अभी मेरे को ना ये जो एक और गाड़ी हम लोग लाए थे, टोटल हमने 3 गाड़ी खरीदी थी, तो उसमें से 2 गाड़ी को तो हमने रिपेयर किया, बट इसको अभी तक हमने रिपेयर नहीं किया है, मतलब नहीं करवाया है, तो इसको हम लोग अच्छा इधर से ही डायरेक्ट भेज सकते। तो ये वाली गाड़ी को भी मैंने डाल दिया है रिपेयरिंग के लिए, बट सभी रिपेयर करने वाले लोग चले गए हैं अभी, तो मेरे ख्याल से मेरे को भी सोने के लिए जाना चाहिए। तो डे 4 में तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कमाई नहीं करी है, कमाई करी ही नहीं है, हमने जितने पैसे थे वो लगा दिए हैं सभी के सभी गाड़ी खरीदने में और उसको रिपेयर करने में, तो अभी हमारे पास इतने पैसे बचे भी नहीं है। बट अब मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले समय में हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। भाई ये देखो, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट, अलग ही लेवल पे भाई, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पे चढ़ चुकी है। इंजन करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट और इसको लेते हैं थोड़ा, अरे 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 ठुक गई। मेरे को लगता है सबसे पहले तो इसको हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा जिसे हम लोग अभी चला रहे हैं। ये गाड़ी की तो हमने वाट लगा के रख दी है, थोड़ा शॉर्टकट ले गया। ऑक्शन कार मार्केट ओपन होने वाला है, बट कार मार्केट में जाके मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, हमें चाहिए 1 या 1.5 लाख रुपीस तब जाके हम लोग कार मार्केट जा सकते हैं, वरना फिर कार मार्केट में जाएंगे वो और कुछ खरीदेंगे नहीं, तो वैसे ही बुरा लगेगा। यहाँ रख देते इस कार को, बाकी जाते हैं सामने जो एक कार हमने और रिपेयरिंग के लिए दी थी उसको चेक करने के लिए कि क्या लोग रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई होप हम लोग तीनों की तीनों कार को बेच सके अच्छे कीमत पे, मेन वही है ना कि अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, अगर अच्छे पैसे नहीं मिले ना तो दिल टूट जाएगा। इसको इधर से सीधा उठा के हमने रख दिया वहाँ पर, आ जाओ। अभी जो हमने यहाँ पे रखी है कार, आ तो नहीं रही ना कोई गाड़ी, वरना ठुक जाएगी हमारे साथ। इसमें बैठ जाते हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा राइट लेते हैं और अभी थोड़ा लेफ्ट रहते हैं, ये हो गया, और इसको यहाँ पर रख देते हैं। इंजन बंद करके उतर जाते हैं नीचे और ये तीनों की तीनों गाड़ी हम लोग लिस्टिंग में डाल देते हैं, बेचने के लिए लिस्ट जो आता है उसमें। अरे हम लोग 4 गाड़ी, ओ अच्छा 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 अच्छा, तो ये वाली गाड़ी तो बाहर है जो मैं चला रहा हूँ, ये वाली गाड़ी हमें बेचनी है। इसमें हम लोगों ने $300 डाले हैं, मतलब सभी चीज़ें सही करवाने के लिए, और $2000 का हमने खरीदा है, तो हमें इसको बेचना है तो $6000 के नीचे तो नहीं बेचना है, या $5000 के नीचे नहीं बेचना है, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल 4th कार सेल आई थिंक हम लोगों का $2300 का खर्चा है, चलो मान के चलते $2400 का खर्चा है, तो इसको हम लोग $5000 में भी बेच देंगे ऐसा है, बट इसको हम लोग लिस्ट करेंगे $12000 की। ये डाल दिया हमने बेचने के लिए, क्योंकि ये सभी गाड़ी को हमने रिपेयर भी तो करवाया ना, इसको भी तगड़ा हमने रिपेयरिंग करवाया है, तो इसको भी हम लोग $12000 की ही डालेंगे टोटल। इसका भी हम लोग डालेंगे $12000, ये लो $12000, नहीं इसका 11000 ही रखते हैं, क्योंकि इसका किलोमीटर जो चलने का है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको हम लोग इतने में ही बेचेंगे। बाकी एक ये है गाड़ी जो कि 33000 किलोमीटर ही चली है, और इसे मैं बेचूँगा टोटल 6th है क्या, 7th होगी ना, 7th होगी मेरे ख्याल से, 7th कार सेल, तो इसको रख देते हैं। और इसका हम लोग 15000 रखते हैं, आई नो थोड़ा ज़्यादा है, बट 33000 किलोमीटर ही चली है तो मेरे ख्याल से इतना तो ले सकते हैं। कार जो है ना वो थोड़ा सा डर्टी है, तो उसे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ख़राब है मतलब कचरे वाला है, इसको हटा के इधर डाल देते हैं। भाई कस्टमर तो आए पड़े हैं, अरे ये कम्युनिटी, अरे कचरा कहाँ से आ जाता है, थोड़ी देर पहले तो कचरा था ही नहीं। वो अच्छा कुछ ज़्यादा ही कस्टमर आया है, ये कितने में मांग रहा है, जस्ट मिनट $2300, अभी 1 लाफा मारूंगा खींच के। मेरे ख्याल से इसको तो बेचना ही नहीं चाहिए, $7000 दे दे और गाड़ी लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है। 7000 नहीं चलेगा क्या, मेरे ख्याल से नहीं होगा, आप जाओ भाई, आपको नहीं बेचना है मेरे को, इससे बातचीत करके देखते। ये वाले भाई साहब कितने में मांग रहे हैं, $12000 का $2500 में मांग रहे हैं, आई थिंक इसको हम लोग $3000 बोल देते हैं, 3000 में बेच देते हैं भाई, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप भी जा सकते हो बहन, आपको कितने में चाहिए, 11000 का है और इसे चाहिए 2600 में, क्या मेरे को 3000 मिलेंगे, मैं 3000 में बेच दूंगा, मेरे को नहीं लगता है कार की इतनी प्राइस, मतलब इतने पैसे हमको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपके लिए इतना ले लो आप, $10 का डिस्काउंट बस, और नहीं मुश्किल है, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, डोंट वरी, इससे बातचीत करके देखते हैं। डू आई हैव थिंक अबाउट प्राइस 2560 नहीं होगा, आप 3000 दे दो ना, आप 4000 दे दो, 3000 नहीं 4000 दे दो,
4000 में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा, आप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, और भी कस्टमर आ ही रहे हैं, तो हम लोग मरे नहीं जा रहे आपके लिए। चलो, सबको ये वाली गाड़ी ही खरीदनी है। आप कितने में ख़रीदना चाहते हो भाई? $12,000, 2700 आई थिंक बेटर है। आप 3000 में ले लो, मेरे को चलेगा। 3000 दे दो और आप लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आई रियली इरिटेटिंग, आई नीड यू टू कम्प्लीट आउट एनी। नहीं भाई, अभी काम करो, 2800 में ले लो। चलो 2800 में ले लो, 3000 मत दो, 2800 में ले लो, बस मेरे को बेचना ही है ना। हाँ चलो, ये गाड़ी बिक गई। अब आप कितना देना चाहते हो इस गाड़ी का, वो मेरे को बता दो एक बार। $2,662 थोड़ा मुश्किल है। एक काम करो, आप चले ही जाओ भाई, क्योंकि 2600 में तो मैं देने से रहा। आपको कितने में चाहिए? $2,624। आप एक काम करो, 3000 दे दो और लेके जाओ, जाओ। $3,000 में मेरे को चलेगा। $3,000 भी नहीं दे रहा है। आप एक काम करो, आप 2800 में ले लो। चलो 2800 में ले लो, चलेगा। हाँ चलो, ये भी बिक गया है। अब ये वाली एक गाड़ी है जो बाकी है, आई होप इसे कोई ख़रीद ले। इसका वैसे हालत भी ख़राब है, इसको थोड़ा ना वॉश कर देते हम लोग ऐसा करके। ये बहुत ज़्यादा गंदी है भाई, देखो। अगर थोड़ी चमक जाएगी ना तो लोगों की नज़रों में भी आएगी, वो लोग खरीदेंगे भी। तो आ चुका है एक और कस्टमर, इससे भी बातचीत करके देखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने, मेरे को ये बताओ, चीज़ें थोड़ी सस्ते में बेच दी है क्या? क्योंकि पैसे हमारे बन नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऊपर की साइड पे पैसे कुछ आ नहीं रहे हैं। कैन यू लोअर द प्राइस? एक सो भाई, आपसे तो बार्गेनिंग करना ही ख़राब हो जाएगा। आप एक काम करो, आप चले जाओ यार, आपके लिए शॉप नहीं है, सच बताऊँ तो। अब मेरे को ऐसा लगता है, अच्छा ये आए ना भाई साहब, ये कोट वगैरह पहन के, आई थिंक ये ज़्यादा में खरीदेंगे मेरे को। 3000, चलो आप 3000 दे दो। एक काम करो, आप एक काम करो, 3100 दे दो। चलो $3100 आप दे दो और बाद में मैं 300 पे आता हूँ। 300 क्या हो, 3000 पे आऊँगा। एक काम करो, आप लास्ट में 3000 में ले लो, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक काम करो, आप चले जाओ भाई, लेट्स गो। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चले जाओ। अब ये लड़की से मेरे को बातचीत करने दो। 15000 का ये कितना दे रही है? 2508 आई थिंक, मेरे ख्याल से वो लड़के से भी कम दे रही है, तो हमने गलती कर दी। 3000 कैसा रहेगा बताओ? 3000 से 2500, ओके। आप एक काम कर लो, आप मेरे को ना 2800 दे दो, 2800 में चलेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा मेरे से, आप भी जा सकते हो। अब हमें वेट करना पड़ेगा और कस्टमर के लिए, ये गाड़ी को बेचने के लिए। बट उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं नेबरहुड, क्योंकि नेबरहुड से हमें और भी गाड़ी ख़रीदनी है। तो लेट्स गो, हम लोग जाते हैं नेबरहुड। यार ये तो वही वाली गाड़ी है जो अभी मैंने 2-3 बेची है, ये खरीदने जैसा है। कितने में? 2-3 हज़ार में देता है, तो मैं इसको ख़रीद लूँगा। अच्छा 2194 में? हाँ चलेगा भाई, काम कर ले तू मेरे को ना, इसको 2000 में दे दे। चल मेरे को 2000 में चलेगा, दे दे भाई, मज़ा आ जाएगा, मैंने ख़रीदा है भाई। चल एक काम कर, 2100 में दे दे। 2100 चलेगा क्या? 2100 बहुत बढ़िया रेट है। ओके चलो, 2100 में ये गाड़ी मिल चुकी है। ये मेरे को चाहिए भी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, बट हाँ काम की चीज़ है। तो अभी के लिए हम लोग सीधा जाने वाले हैं सोने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी है। तो अभी रख देते हैं गाड़ी को यहाँ पर, और जो ये वाली गाड़ी हमने खरीदी है ना, इसको हम लोग रिपेयर करवा लेते हैं भाई। इसे रिपेयर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से ना। रिपेयर करवाए बिना भी लोग कितने में खरीदेंगे ना, वो देखते आ जाओ। इसको ना रिपेयर करवाए बिना ही बेच देते हैं इसको, हमने जितना ख़रीदा है ना उतने में ही जाने देते हैं। अरे अरे अरे, कस्टमर आ रहा है, उड़ा ना दूँ मैं कहीं इसको गलती से। रख देते इसको यहाँ पर, इंजन कर देते हैं बंद। इसको हमने 2000 में ख़रीदा था ना। एक मिनट, लड़की कितने में मांग रही है गाड़ी को? आई एम थिंकिंग $2,800, लेट्स गो। ये बहुत सही ऑफर है, आप 3000 में ले लो बहन। 3000 में आपको कहीं और पे नहीं मिलने वाला है। चलो वो ये $3,000 में हम लोगों ने एक फालतू सी कार को बेच दिया है, जो कि मेरे लिए अचीवमेंट से कम नहीं है। यहाँ पे देखो, कोको कोला का कोई कैन भी पड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे, बट उससे पहले इसको बेचने के लिए रख देते हैं। और ये होने वाली है हमारे आज के दिन की आखिरी कार, जिसे हम लोग बेचेंगे और उसके बाद ये वाला वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, तो इसका नाम रखेंगे टोटल 10TH कार। आई थिंक मेरे को पता नहीं 10वीं कार है कि नहीं है, बट मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसा है। अब इसका हम लोग रख देते हैं 3000। 3000 में आई थिंक ऐसे ही बिक जाएगा, कोई लफड़ा होगा ही नहीं। आया 3000 में, खरीद के चला गया। नहीं, एक काम करते 5000 रख देते हैं, ताकि हमको बार्गेनिंग करने में थोड़ी आसानी रहे। ये डाल दिया हमने सेल के लिए। अभी वेट करते हैं कस्टमर का, अगर कस्टमर आते हैं तो इसको बेच के वीडियो ख़त्म करते हैं। तो बढ़िया है, कस्टमर आ चुका है, इससे बातचीत करके देखते हैं भाई। $5,000 में ले लो ना, थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा।
$2,350 में एक लाफा मारूंगा आपको, चाहिए क्या? $2,350 में एक लाफा आएगा, ये गाड़ी का फुर्जा भी ना आए $2,350 में, आप क्या बात करते हो? अब एक काम करो, $2,800 दे दो, $2,800 में भी बेच दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, $2,800 चलेगा क्या आपको? अच्छा $2,800 नहीं, आपको $2,500 चलेगा बोलो, $2,500 में मेरे को सिर्फ $200 कमाने को मिल रहा है, अगर आपको चाहिए तो $2,500 में ले लो, चलो। हाँ ये हुई ना बात, बट टाइम आ चुका है इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करने का।